जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के युवाओं के साथ दूसरे राज्यों में हो रहे दुर्व्यवहार पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में बिहार के लोगों का अपमान हो रहा है। बिहारी व्यक्ति को मूर्ख, अनपढ़ और मजदूर समझा जाता है। आज बिहारी शब्द गाली बन गया है। आज पूरे देश में बिहार के बच्चों का जो अपमान हो रहा है उसके लिए बिहार के नेता जिम्मेदार है। बिहार के गौरवशाली इतिहास की चर्चा करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार ज्ञान की धरती रही है। दुनिया भर से लोग शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने के लिए बिहार आते थे। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे, लेकिन बिहार के नेताओं के जंगल राज और अफसर राज का नतीजा है कि आज बिहार के बच्चे और युवा महज 10 से 12 हजार रुपए के लिए पूरे देश में जाकर मजदूरी करने को मजबूर हैं। उन्हें अपना घर परिवार छोड़कर दूसरे राज्यों में मजदूरी करनी पड़ती है और उसके साथ ही अपमान और दुर्व्यवहार सहना पड़ता है। इसलिए जनसुराज का संकल्प है कि इस व्यवस्था को बदला जाए, बिहार के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले ताकि कोई उन्हें अनपढ़ और मूर्ख कहकर अपमानित न करे। हम लोग के बच्चे बिहार के बाहर जाते हैं, जिसको मन होता है वही गाली दे देता है, कहता है बिहारी मतलब बुर्बक, बिहारी मतलब अनपढ़। ये शब्द बिहारी गाली बन गया है। आपके घर के बच्चों को गाली दी जाती है, पूरे भारत में बिहारी कह के अपमानित किया जाता है। हम लोग सब लोग बेवकूफ और बुर्बक आदमी है। बिहार के लोग बुर्बक नहीं है, यहाँ के नेताओं ने हम लोग को बुर्बक बना दिया है। ये तो ज्ञान की भूमि रही है, इस मिट्टी का गौरव करना सीखिए। आपके हमारे पूर्वजों ने इसी बिहार में वो व्यवस्था बनाई थी कि पूरे दुनिया से लोग पढ़ाई करने के लिए बिहार आते थे। पूरे देश का शासन बिहार से चलता था। देवताओं को भी बिहार में आकर ज्ञान मिला है। और आज हम लोग का दुर्दशा देखिए, हम लोग के बच्चों को पढ़ने के लिए 10,000 15,000 के मजदूरी के लिए पूरा भारत में घूम के गाली सुनकर काम करना पड़ रहा है। ये व्यवस्था बदलिए, संकल्प लीजिए कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइएगा, उनको मजदूर नहीं बनाइएगा।